यूपी के शाहजहांपुर में प्रसव के दौरान एक नवजात शिशु की मौत के बाद महिला अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए परिजनों ने स्टाफ के साथ मारपीट कर तोड़फोड़ भी की। परिजनों ने डॉक्टर सहित स्टाफ पर प्रसव में लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। घटना चौक कोतवाली के जिला महिला अस्पताल की है, जहां विवेक मिश्रा की पत्नी पूजा को देर रात प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज शाम को प्रसव के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही के चलते ही नवजात की मौत हुई है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि प्रसव के दौरान नवजात के गले में कॉर्ड फंस जाने से उसकी मौत हुई। नवजात की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा काटा और स्टाफ के साथ मारपीट की। इस दौरान परिजनों ने वहां रखे रिकॉर्ड को भी फाड़कर फेंक दिया और तोड़फोड़ की। भारी हंगामे के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह हालात पर काबू किया और इससे पहले भी इस अस्पताल में प्रसव के दौरान एक नवजात शिशु का सर धड़ से अलग कर दिया गया था, जिसमें डॉक्टर सहित स्टाफ के 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन इन सब के बावजूद स्टाफ की लापरवाही का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल महिला अस्पताल की इस लापरवाही के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। बोली मैं क्या हाथ से मतलब बच्चा पैदा कर दूं, हथेली से निकाल दूं क्या? फिर क्या हुआ? तो फिर भी नहीं, मतलब वही ऐसे हल्के देखती नहीं, नहीं मतलब फिर भी हम कहते भैया ना आपको मतलब जब हुआ तो अपना मरीज ले जाए, बाहर ले जाए, लेकिन फिर भी नहीं। वो भी हम क्या बोले बात है, मतलब देखने अब क्या हुआ, किस तरीके क्या अब क्या हुआ, मरीज जब अंदर गया तो बच्चा मरा हुआ मतलब पैदा बच्चा है। एक उच्च स्तरीय जाँच बैठाएंगे, एक जाँच कमेटी बैठाएंगे बनाएंगे और जांच कमेटी बनाने की इसकी विधिवत जांच होगी और जांच करने के बाद ही, लेकिन वो किसी बात को सुनने को तैयार नहीं हो रहे उनके परिवार वाले। मैं ये भी कह रहा हूँ कि ठीक है आप बहुत ज़्यादा विवहल हैं, परेशान हैं, तो लेकिन अब किसी चीज़ का न्याय दिलाने के लिए कुछ समय लगेगा, जांच कमेटी अपना निर्णय दे। नहीं संतुष्ट होते हो तो उससे भी उच्च स्तरीय जाँच कमेटी बनाई जा सकती है।